हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माता। देखिए, मैं दूसरी वीडियो में ये बात बता दी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हो। मैं 100 बेटियाँ मेरी बेटी में माँ बनके करना चाहती हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मेरे को सबने कहा 100 लड़कियों का बहुत मगजमारी होता है और कैसा दारू वारू का भी सब लोग पी लेते हैं, शादियों में पीते हैं। तो ऐसा नहीं, हमने एक परफेक्टली काम रखा है कि जो भी लड़कियाँ शादी करने आएंगी वो लड़का लड़की के साथ, जोड़ों के साथ सिर्फ 5-5 परिवार रहेंगे। उनका आधार कार्ड, उनका एड्रेस सब कुछ परफेक्टली लिया जाया रहेगा और उन्हें स्ट्रिक्टली कहा गया रहेगा कि 2 दिन की शादी में कोई भी दारू वारू नहीं पिएगा। आपको जो भी अपनी बेटी की शादी की पार्टी करनी है आप अपने घर पे जाके कीजिए, ठीक है। और हमने शादी में सोचा है कि एक दिन, जिस दिन लड़की जैसे अभी हमने 25 तारीख के शादी की डेट रखी है, तो 24 तारीख को सारे लड़का लड़की लोग वाले आएंगे, वो लोग दोपहर तक पहुँचेंगे। फिर शाम को हमने एक संगीत का प्रोग्राम रखा है, हल्दी मेहंदी रखा था, लेकिन हमने कहा है कि जो भी लड़का लड़की आएंगे, लड़कियाँ अपने घर से ही मेहंदी लगवा के आए, शाम को एक छोटा सा संगीत का प्रोग्राम रखेंगे। दूसरे दिन हमने शादी का प्रोग्राम रखा है। शादी के प्रोग्राम में क्योंकि बड़े बड़े गेस्ट, देखिए हमारे दीपक जी तो मेन गेस्ट ऑफ ऑनर है ही, बाकी वहाँ के भी जो बुल्ढाला के सब MLAs होंगे, जो भी रहेंगे, फिर हमें जो लोग शादी में पैसे दे रहे हैं, जो लोग सामान दे रहे हैं, उन सबके भी बैनर्स लगेंगे, वो सब मेहमान आएंगे, उनके लिए स्टेज बनेगा। तो 7 से 10, शाम को 6-7 बजे से लेकर 10 बजे तक लड़कियों को रिसेप्शन, शादी और रिसेप्शन रहेगा, वो एक अलग मुआयना है। उसके बाद दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह हम सारी लड़कियों की विदाई करेंगे उनको सामान देके। सामान में मैंने सोच के रखा है, एक पलंग रहेगा, एक कबाट रहेगा, मिक्सर ग्राइंडर रहेगा, बर्तन रहेंगे, लड़कियों के लिए पास साड़ी रहेगी, और कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो भी उनका दुल्हन का पूरा सेट रहता है, दुल्हन का पूरा सेट रहेगा, मतलब दुल्हन में जो रिसेप्शन में लड़की साड़ी पहनेगी, साड़ी, दुल्हन सेट, मेकअप, वो सब सामान रहेगा। दुल्हन को जो सामान दिया जाता है, मतलब बर्तन वर्तन तो चलो है ही, मिक्सर ग्राइंडर, बर्तन, कबर्ड, पलंग, ये सब चीज़ें दी जाएंगी, गहने नहीं दिए जाएंगे। और उसके बाद साथ में दूसरे दिन हमने 50,000 सोचा था, लेकिन 100 लड़कियाँ करके 30,000 का चेक, 30,000 का चेक दीपक जी अपने हाथ से देंगे। क्योंकि भाई लड़कियों को क्या होता है मालूम है, कितने लोग शादी में पैसों के चक्कर में आते और फटाफट पैसे लेके जाते, कैश नहीं, हमें भी प्रूफ रहना चाहिए। तो उसके लिए बाकायदे का अकाउंट खुला जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जाएगी। लड़की का, जो लड़का आएगा, लड़के का भी शादी का जो कपड़ा रहेगा, लड़के का शादी का कपड़ा, जूता, मतलब सर से पाँव तक, दूल्हा दुल्हन का सर से पाँव से लेकर चप्पल तक का बंदोबस्त हम करेंगे। सिर्फ लड़का लड़की को ये, लड़का लड़की वालों को ये करना है कि जो लड़की के गले में मंगलसूत्र डालना है वो आपको लाना है, ऐसी बात है। बाकी हमारी तरफ से गहने कोई नहीं मिलेंगे क्योंकि हम इतना पैसा दे रहे हैं बस, क्योंकि गहने वहनों का टिटम्मा नहीं रखना है। बेस्ट शादी होनी है, खाना वाना सब सेट रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोचा है। तो उन्होंने बोला है, तो अभी पहले हम, आज बैनर लगेगा, मेरी बेटी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद उसके बैनर्स लगेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग जाके चिखली में जगह देख के आएंगे, जगह देख के आके मैदान को फिक्स करेंगे जहाँ मैदान में शादी होगी। शादी के बाद देखिए मेरा नसीब कितना अच्छा है, मुझे सैलानी बाबा ने फिर से बुलाया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके एक ऑफिस का, ऑफिस की ओपनिंग करेंगे। ऑफिस की ओपनिंग के दूसरे दिन यहाँ पे पूरे बैनर्स, शादियों के बैनर्स लगेंगे, ऐसे टाइम टू टाइम, पार्ट टू पार्ट होगा, क्योंकि जब तक ब्रांच नहीं खुलेगा तब तक हम बैनर्स ही लगा सकते, ऐसी बात है। और इतना बड़ा सबका साथ देने के लिए थैंक यू। और दूसरी बात, बहुत सारे जन ना मुझे एक बात कहते हैं कि आपका CA मना कर रहा है, ऐसा कौन सा CA, कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है कि आपको मना कर रहे हैं। एक बात बताइए, शॉर्टकट वाली बात कहना, तुम लोग सालाना कितना कमाते हो और मेरे अकाउंट में सालाना कितना पैसा आता है। तुम्हारे अकाउंट में साल में जितना पैसा आदमी आता होगा, मेरे अकाउंट में महीने में उतना पैसा आता है। यूट्यूब चलाते 1,10,000 सब्सक्राइबर है, मुझे सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, ठीक है ना। अगर 1-2 जनों को मुझे पैसा देना बाकी, थोड़ा सब्र रखो ना, आदमी भाग रहे क्या, हाँ आदमी भाग रहा है आपसे पीछे छूटा के क्यों। जब तक विद्या देवी लाखों करोड़ों खर्चा कर रही है तो अच्छी बात है, आप इधर उधर आ रही है, लाखों का पैसा दे रही है, सब कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कभी काल समझो मैं बोलती 2-4 लाख रुपया रुक गया तो क्या चोर हो गई, भाग गई, बोल तो रही हूँ ना। हाँ आप लोगों के शायद पूरे साल में अगर बैंक का अकाउंट डिटेल्स चेक करें तो मेरे ख्याल से 10 लाख भी नहीं होता होगा, लेकिन विद्या देवी का महीने का सिर्फ टारगेट चेक करें तो महीने का टारगेट 40-50 लाख का होगा। तो मुझे तो संभाल के देखना पड़ेगा ना, मुझे मेरा जैसे CA बोलेगा वैसे ही करूंगी ना, तो मेरे तक आने की क्या जरूरत है, आपको अपने पैसों से मतलब है। ठीक है ना, अगर लेट फास्ट हो गया तो इतने बहुत सारे लोगों से सालों का रिलेशन है, सालों से जानते, भाग गई क्या। अरे लॉकडाउन जैसे टाइम पे लोगों ने मुझे पूजा पाठ दिया, लॉकडाउन जैसे टाइम पे पूजा पाठ में भी विद्या देवी नहीं भागी, सबके साथ लगी हुई थी, तो मैं अभी भागूंगी क्या, और पैसों के लिए गिरी हूं क्या मैं।
इतना बड़ा 100 लड़कियों का शादी करने जा रही हूँ, नहीं को उससे 2-4 करोड़ खर्चा करूँगी मैं, इतनी गिरी हुई दिख रही हूँ क्या मैं? मेरा गलती ये है कि मैं आप लोगों को सच बोलती हूँ और उस सच बोलने का नतीजा ये होता है। बल्कि एक बात याद रखना, आज आप 2 पैसों के लिए मुझे इस तरह से जो बात करते हो ना, ये बात याद रखो कि मैं वो इंसान हूँ कि आज मैं अगर लाखों देने की ताकत रखती हूँ तो कल करोड़ों देने की ताकत रखूंगी। मुझसे आगे जाके फायदा ही है, तो मुझसे बहस करने से अच्छा शांति रखने में ही होगा। मैं अपना जो काम है सलीके से करूंगी। मेरा पैसा है मेरे पास नहीं, मैं भाड़ा दे के रहती हूँ, ठीक है? भाड़े पे भी याद आता है कभी कभी, मेरा जो ओनर है वो भी कभी कभी अपनी एटीट्यूड में आ जाता है ना? लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं। अभी आप सोचो, मैं जहाँ पे जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में कितनी चीज़ें टूट गई है, वो इंसान कभी बनवाता नहीं है। मेरा खुद का घर हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँ तो जाके रह सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे मैं चाहूँ तो लोन ले लूँ फ्रॉड जाके, क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना है, मुझे लोन नहीं भरना है, क्योंकि हमारा काम पंडितों वाला है, हम पंडित हैं। पंडितों को कैसा आया तो आया, महीना महीना भर बहुत आएगा, नहीं आएगा तो 6-6 महीने कुछ नहीं आता है, तो किस बेसिक पे लोन लेने का? नहीं लेना है, जैसे अगर वैसे रहेंगे, नहीं होगा तो भाड़े पे रहेंगे, बात खत्म। भाड़े पे भी मैं 1,00,000 रुपया भर रही हूँ, जिस घर को लोग 40,000 भी भाड़ा नहीं देंगे उस घर का 1,00,000 रुपया दे रहे हैं। क्यों भाई? रहने मिल रहा है, लेकिन उधर भी उसको चर्बी है, उसके अब काम चालू है। जितनी बार मैंने सोचा, जितनी बार वो इंसान उल्टा बोलेगा ना, उतनी बार मैं उसकी बैंड बजाऊंगी। ऐसी बात है, एक बार बजा है ना एक जन का, देखा ना, एक जन ने मुझे अपने घर में रख के उसके बेटे के जरिए मुझे निकालने की कोशिश की, मैं निकली भी, उसका बेटा भी मर गया और उसके पैसे भी गए, नहीं दिए मैंने। भाई तू मेरी बेइज्जती करके, मेरी इज्जत निकाल के मुझे घर से निकालेगा? काहे के पैसे, भूल जाओ पैसे, पैसे से नहीं मिलने वाले। चुते दिखते हैं क्या हम लोग कि तुमको 5-5, 6-6 साल तुम लोगों को 1,00,000, 2-2 लाख रुपया भाड़ा देने का, और अचानक से लॉकडाउन के जैसे टाइम पे 2-4 महीने का रुक गया, लॉकडाउन में तो किसी ने पैसे भी नहीं, तुम निकाल देने का, तुम्हारी करनी तुमको भुगतनी पड़ेगी। तुम लोग दूसरों की बात सुनते हो, कौवा कान लेके क्या उसकी बात सुनते हो, हमें भूल जाते। और जो इतना दिन दिया वो बगैर पैसे दिए तो कोई रहता नहीं है, ऐसी बात है। तो मेरे ना दे मत लोगो तो अच्छा है यार। और अभी मैं आपको बताऊँ ना, एक जैसे सुधा उधा जैसे है दिल्ली की, मेरा स्टेटस रात को 11:30-12 बजे देखती है। उस औरत का तो मैंने मारण क्रिया चालू की है। क्यों? उस औरत ने पैसा नहीं बोलूंगी, खर्चा किया पैसा, बहुत सारा डाला, 30-40 लाख रुपये डाला, लेकिन जो बीच में पैसे आने वाले थे सिर्फ 4-5 लाख रुपये के लिए औरत रुक गई, और उसकी वजह से कम से कम 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ। मेरे लिए देखिए, आपका पैसा, आप लोग अगर अपना काम वापस लेते हैं तो मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर देती हूँ, लेकिन जो मैं आगे डाल चुके रहती हूँ वो मेरा नुकसान कौन देखेगा? हाँ, क्योंकि देखिए, अभी मैं आपके लिए समझो लॉटरी का काम करवाई, ठीक है? वो जब आपका मैं नंबर देते हैं हम लोग कहीं पे भी, वो नंबर में आपके ही अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आपके पास नहीं आएगा तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। वो मैंने इतनी मेहनत इसलिए की कि इतना पैसा आता। जिस औरत की वजह से कांड हुआ उस औरत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों? अगर उस औरत ने टाइम पे पीछे नहीं हटी होती ना, तो आज मेरी गरीब लड़कियों के स्कूल खुला होता। मैं लॉटरी के अपने फायदे के लिए नहीं चलाती हूँ, 10 लोगों को गरीबों में बांटने के लिए करती हूँ, ये बात है। लेकिन जो लोगों ने गलती की उसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मारण क्रिया तो पक्का है। मेरे एक बात है, आपको मुझसे पूजा कराना है कराओ, लेकिन पूजा करा के इस तरह से पीछे हटोगे और या बाद में बोलोगे चलो हमारा पैसा वापस कर दो, मतलब ये बैंक खुला है ना, आपकी जब मर्जी आई आपने डाला और जब मर्जी आई आपने ले लिया, है कि नहीं? और हम लोग चूतिया बैठे। एक बात याद रखना, आप मुझसे पैसा रिटर्न लेते हो ओके, लेकिन उसके बाद उसके दूसरे दिन से आपका मारण क्रिया शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे आंखों के नीचे काले खड्डे आ चुके हैं। मैं इतनी मेहनत करके पागल नहीं हूँ कि तुम लोगों के लिए अपना घर बार छोड़ के महीनों महीनों तक बाहर रहते हो और ऐसी हरकत करते हैं, ये बात याद रखना। और जो लोगों ने मेरे पर दिमाग लगाया ना पैसों के लिए, मैं क्या बोल रही हूँ, 50,000 ले लो, 1,00,000 ले लो, 2,00,000 ले लो, कितना दिन चलेगा मुझे वो देखना है। मैं एक बात बता रही हूँ, मेरा दिल दुखा के जो काम करते हो ना वो चीज़ आगे मिलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। और मुझे ये टारगेट मत करो कि तुम्हारा कौन सा CA है, तुम्हारा कौन सा बैंक वाला है, क्या है, वो मुझ पे छोड़ो। इसके तुम्हारा देना है मुझे पता है, वो देना है तो जो मेरे को टाइम सूटेबल पड़ेगा वो मेरा, मैं अपने हिसाब से वो नहीं करूँगी। कर्जा नहीं लिया आज की तारीख में, किसी पे कर्जा नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा पूजे का पैसा दिया होगा, वो होगा कहीं कुछ का चीज़ का होगा, कर्जा लिया है क्या, ब्याज पे पैसा लिया है क्या जो आप लोग वो कर रहे हो? मैं 2 काम कभी नहीं करती हूँ, ब्याज से पैसे नहीं लेती और लोन नहीं लेती कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें रुक सकती है, घर का भाड़ा बचा है, झक मार के ओनर को रुकना है, नहीं रुकना ठीक है, मैं जाती हूँ, जो पैसा है मैं नहीं दूंगी, बात खत्म। फिर अपना लो भाई, तुम मुझे हटा रहे हो, तुम्हारी गलती, तुमको घाई पड़ी है तो मैं निकल के जाती हूँ। फिर तुम्हारा पैसा जिसके चढ़ाने पे तुम हम लोग को बोलते हो हटो, उससे लेना। वैसे ही जितने लोगों ने जैसे भी पूजे का कहीं या कुछ बाकी है तो तुम लोग जिसके चढ़ाने पे मुझे फ़ोन करते हो, ठीक है, फिर मैं
नहीं दूंगी, जैसे जैसे होगा दूंगी, बाद में देखो क्या करना है, चलो मैं दे भी दूंगी कहीं से, वो पछना तो चाहिए। अभी एक इंसान ने बीच में मुझे अपनी औकात दिखाने की कोशिश की थी कि दिखाओ क्या मैं कौन हूँ, दिखाओ क्या मैं कौन हूँ। उसका मैंने अभी तक उसकी दिखाने के चक्कर में मैंने उसका वो हाल किया कि अब उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, अब रोड पे आने का टाइम आएगा, ये लिख लेना। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं आपको बोलूँगी नहीं, मैं ऐसा कुछ करूँगी जो बहुत सोचनी होगा, ठीक है। तो अभी ये जो शादी का काम शुरू है, ये बात भूल जाइए कि शादी के लिए मुझे किसी से चंदा नहीं जमा करना है। मेरा शादी का ऑलरेडी टारगेट है, वो टारगेट बरोबर अप्रैल में शादी है, बरोबर 15 मार्च तक जितने लोग हैं सबके सब मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें रोक के रखा है। मुझे अभी से मैसेजेस आने शुरू है, माँ पैसे कहाँ डलवाने, बोलो मैं अभी क्या करूँ लेके। 7.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है ना, मैं तो अब चाह रही हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबको मैं उसमें जोड़ूँ। कम से कम इस शादी के बहाने 50-100 लोगों को काम मिलेगा। मैंने 100 लड़कियों की शादी में 200 लोगों को बाउंसर रख रही हूँ, 200 लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे उन बच्चियों की सेफ्टी के लिए कि शादी हो। देखो पैसा फेंक तमाशा देख, मेरे पास पैसा है, पैसा दिया रहेगा तो हर चीज़ परफेक्ट होगी, कोई चीज़ नहीं बिगड़ेगी। पता है सब चीज़ कहाँ बिगड़ती है, जहाँ पैसे। मैंने हर एक चीज़ सोचा। सिर्फ मैं MLAs को वहाँ पे इनविटेशन कार्ड नहीं दूंगी बुल्ढाना में, बल्कि वहाँ के सबसे बड़े गुंडे को बल्कि इनविटेशन कार्ड दूंगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जो वहाँ के गुंडे रहते हैं, जो वहाँ के मेन रहते हैं ना, उनको अगर बुला लिया ना तो सारी चीज़ें परफेक्ट और अच्छी हो जाएंगी, मुझे पता है। अब तो मैंने क्या बोला, विद्या देवी को ना नेता बनने का शौक नहीं, विद्या देवी को डॉन बनने का शौक है। और देख लीजिए मैं कहाँ तक पहुँच गई, सब ने मेरी सीढ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे, मैं अभी पैंथर सेना तक पहुँच चुकी हूँ। आगे तक एक एक सीढ़ी बढ़ती जाएगी और होती जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखना, आपके जेब में कुछ भी नहीं है तो आप लोग इतना उड़ते हो, मैं लाखों करोड़ों लेके घूम रही हूँ। और ये बात याद रखना, पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसों से हर चीज़ वो होता है। आज की तारीख में कोई किसी के लिए नहीं सोचेगा, आप इमोशनली दिखाओगे सोचेगा, कोई आपका नहीं सोचेगा, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ पैसा देखेगा कि आप यहाँ से पैसा मिल रहा है ना, इसका सोचो भाड़ में गई। तो ये बात याद रखना कि जितने लोग मेरे से दिमाग लगाते ना, ये बात याद रखो कि तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, मेरा सब सुनेंगे, ये सोच लेना। मैं पैसा फेंकूंगी ना तो मैं तुम्हें जमीन में भी गड़वा सकती हूँ, ऊपर भी पहुँचा सकती हूँ, ये बात याद रखना। तो मेरे से दिमाग दूर रखने में ही भलाई है, ये बात याद रखना बहुत अच्छे से। बाकी तो जो होना होगा, देखो फिर से मुझे बुल्ढाना सैलानी बाबा बुला रहे, मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो ये सैलानी बाबा समझो, कल तो मैं जो भी लोगों ने क्या बोला कि हालत ख़राब करूँगी, कल तो मेरे से मस्तान बाबा ने मुझसे हाथ मिलाया है, बहुत बड़ी बात हुई है, ठीक है। वेट एंड वॉच, तुम लोग की बर्बादी शुरू हो चुकी है, देखो क्या होता है।